दोस्तों, कई बार हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को, फोटो को और जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं उन्हें स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है और स्कैन करके दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में भेजने के लिए किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप HD क्वालिटी में आप उसका PDF स्कैन करके आप किसी को भी आसानी से भेज सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर से हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है एडोब स्कैन PDF स्कैनर विथ OCR PDF क्रिएटर। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप चाहें तो इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहां से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये हमें साइन इन विथ गूगल मांगेगा और साइन विथ फेसबुक, या अगर आप एप्पल का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अब गूगल से यूज़ करता हूँ इसे। दोस्तों, ये ओपन हो चुका है, अब लेट्स गो हम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है कि जैसे वाइट बोर्ड है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है कि वाइट बोर्ड होता है, वहाँ भी आप इसे स्कैन कर सकते हैं। किसी फॉर्म को आप स्कैन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई डॉक्यूमेंट है या बिजनेस कार्ड है तो वो भी आप इसे स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले एक बिजनेस कार्ड को कैसे स्कैन किया जाता है। मैं वहाँ पे आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड है और मैं इसे स्कैन करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटो डिटेक्ट हो चुका है और ये अपने आप सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको कोई भी मैनुअल इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये प्रॉपर सेट नहीं हुआ है तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे खास फीचर यही है दोस्तों इसमें। इसके बाद अगर आप फिर से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर रिटेक पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से आप इसे दिखा सकते हैं कि आप इसे इसकी क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से कुछ भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप इसमें डबल क्लिक करना चाहते हैं, अगर आप इसका सेकंड पेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेक अनदर फोटो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर रीऑर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले। और अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कलर फिल्टर का एक ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से कलर फिल्टर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक सादा कलर दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसमें ब्लैक एंड वाइट अगर देना चाहते हैं तो आप इसे ब्लैक एंड वाइट भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप ये सेव PDF में सेव करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे सेव करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेव PDF, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक और सेव PDF हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं, हम आपको फिर से एक चीज़ बताते हैं। पहले आ जाइए, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैमरा पे क्लिक करेंगे और कैमरा पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे अब हम एक बुक, जैसे कि मैंने बताया है कि एक बुक को कैसे स्कैन करते हैं और उसको कैसे उसका पूरा फॉर्मेट बनाया जाता है, मैं आपको चलिए दिखा देता हूं। दोस्तों, जैसे कि यहां पे एक मेरे पास एक बुक है, आप ये देख सकते हैं, और ये चलिए मैंने यहाँ इसे कैप्चर कर लिया है। और कैप्चर करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं इसे मैनुअली थोड़ा सेट करना होगा। यहाँ पर मैंने मैनुअली भी सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसका सेकंड पेज कैप्चर कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेकंड पेज कैप्चर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड पेज भी कैप्चर कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अलग फीचर इसका। जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है और कंटिन्यू करने के बाद
फिर से एक पेज हम क्लिक करते हैं और करने के बाद दोस्तों इसका हम एक अलग फॉर्मेट दिखाएंगे आपको जो बहुत ही खास है। चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं और आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कैसे ये पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और बाकी इसकी रिसाइज वगैरह कैसे करना है वो चीज़ भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक का पूरा फॉर्मेट आ चुका है। बाकी चीज़ों का ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार आपको रीऑर्डर का आपको एक ऑप्शन फिर से बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई भी पेज आपका इधर उधर हो चुका है तो उसे आप इसे रीसाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ से इसे सिलेक्ट कर देंगे, 2 को 3 नंबर पे और 3 को 2 नंबर पे कर सकते हैं। आप चाहें फ्रंट पेज को यहाँ भी ला सकते हैं, कवर पेज को पीछे भी रख सकते हैं, ऐसे दोस्तों कहीं भी इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं किसी पेज को डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 पेज बचे हुए हैं। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर यहाँ पे सेव पे क्लिक करते ही जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, शेयर कर सकते हैं और अगर आप किसी को कॉपी टू ड्राइव कर सकते हैं, कॉपी टू गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा आपको, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस पे प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ये फिर से आ चुका है, आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आप इसे कॉन्टैक्ट में अपने सेव करना चाहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे दोस्तों सेव पेजेस इन जेपीजी, यानी कि आप पीडीएफ में तो सेव करते हैं लेकिन अगर आप फोटो में अगर सेव करना चाहते हैं जेपीजी में, वहाँ पे भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये इजली और कितनी हाई क्वालिटी का ये स्कैनर है जो बहुत ही बेहतरीन है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इजली सेव करके इजली अपने गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को अपने मोबाइल से निकालें या कोई चीज़ को भी निकाल के स्कैन करें तो आप यहां पे क्लिक करेंगे गैलरी में और गैलरी में से जाएंगे और आप वहां से भी स्कैन फ़ोटो वगैरह को आप इजली ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।